वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्स क्रिएटिव्स। तो आज मैंने करी है थोड़ी शॉपिंग, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग हॉल शेयर करूंगी, जिसमें मैंने रिलायंस ट्रेंड से कुछ कुर्तीज़ ली हैं जो कि मुझे बहुत ही अच्छे ऑफर में मिली है। और मैंने फिर कुछ ऐसे ही मॉल थी मेरे होम टाउन में, वहाँ से भी ली है जो रिलायंस ट्रेंड्स के बिल्कुल पास ही में थी, तो वो मैं आपको दोनों दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये वाली कुर्ती, देखिए ये ब्लैक कलर पे ट्राइंगल शेप में फ्लोरल प्रिंट है और ये ए लाइन कुर्ती है, आप देख सकते हो ए लाइन कुर्ती है। और इसको आप रेड या पिंक कलर के कुर्ती पैंट लेगिंग्स जो आप पहनते हो या जीन्स के साथ भी ये जाएगी बहुत अच्छी। मैं थोड़ा आपको बता दूं कि इसका जो मटेरियल है ये रेयन मटेरियल है, कॉटन प्लस रेयन मिक्स है, तो इससे क्या होता है बहुत जल्दी क्रीस नहीं पड़ती, तो ये इजी टू मेंटेन होती है और डेली वेयर के लिए काफ़ी अच्छी है। इसको हम किसी भी कलर के पैंट के साथ पहन सकते हैं, एज ब्लैक है ये, और आपका मन हो तो ऊपर आप एक स्कार्फ ले सकते हो। वैसे तो ये स्लीवलेस है बट इसके अंदर स्लीव्स है कि अगर आप चाहें तो आप स्लीव्स लगा सकते हो। इसकी स्लीव्स होगी इसके अंदर ही, जी दिखा देती हूँ इसके अंदर, जी ये रही इसकी स्लीव जो हम लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे ये नॉर्मल कुर्ती है, जैसे कुर्ती होती है, मीन्स ए लाइन नहीं है, स्ट्रेट कुर्ती है और नी डाउन लेंथ तक की है, पिंक कलर की है। देखिए यहाँ पे गोल्डन कलर की डिटेलिंग है, छोटा सा प्यारा सा टैसल है जो इसको सिंपल साथ में एक अच्छी एलिगेंट लुक दे रहा है। इसके स्लीव्स कुछ ऐसे हैं, हम चाहे तो स्लीव्स को ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये बटन दी हुई है, एंड इफ नॉट अगर ऐसे पहनना है तो ऐसे भी पहन सकते हैं। ये भी सेम मटेरियल, वो भी 499 की कुर्ती थी और ये भी 499 की कुर्ती है, पूरा वाइट है और वाइट पे पिंक कलर के फ्लावर्स है और गोल्डन की कहीं कहीं पे हाईलाइट है। अगेन ये ए लाइन कुर्ती है और ये भी स्लीवलेस और इसके अंदर स्लीव्स दी हुई है और ये ग्रे और पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में है। ये प्रिंट है आप देख सकते हो, ज्योमेट्रिक प्रिंट है, सेम प्राइस, ये भी 499 की कुर्ती है। इसके बाद ये बैक लॉन्ग एंड फ्रंट शॉर्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट देखिए, ये मरून कलर की कुर्ती, मरून नहीं है, थोड़ा स्वीट रेड है, मरून एंड रेड के बीच का। ये बैक इसका लॉन्ग है और फ्रंट इसका थोड़ा शॉर्ट है, नी तक आएगी और प्लेन स्ट्रेट कुर्ती है और इसके स्लीव्स भी ऐसी है, चाहे तो इसे खोल लो या फिर इसे ऐसे बंधे रहन दो। और ये भी आप, ये सॉलिड कुर्ती है, मीन्स एक ही कलर की कुर्ती है, विदाउट एनी प्रिंट, विदाउट एनी सेल्फ वर्क, सॉलिड कहते हैं इसे। गोल्डन बटन की डिटेलिंग है, तो आप इसे अगर थोड़ा पार्टी लुक देना चाहते हो तो गोल्डन कलर की लोअर कुछ भी आप ले सकते हो, प्लाजो और लहंगा हो या फिर शरारा तो अच्छा नहीं लगेगा, खैर लेगिंग्स हो और गोल्डन दुपट्टे के साथ कंबाइन कर सकते हो। एंड इफ नॉट डेली वेयर सिंपल लुक देना है तो सिंपल एक ब्लैक लेगिंग के साथ पहन लो, बहुत ही जबरदस्त दिखने वाली है। ये भी 499 की कुर्ती है कि, और ये इजी टू वॉश है, क्रीस नहीं पड़ेगी, सेम कॉटन एंड रेयन मटेरियल है। नेक्स्ट ये मेरी सबसे फेवरेट लगी है इस बार आज के शॉपिंग में, पूरे ब्लू कलर की कुर्ती है जिसपे व्हाइट कलर के बटन्स लगे हुए हैं और ये भी फ्रंट स्लिट स्टाइल की कुर्ती है, मतलब फ्रंट में ऐसे स्लिट हैगी और ये बटन्स ऐसे हैं, ऐसे लग रहा है कि फ्रंट ओपन है और इसमें भी स्लीव्स अंदर दी हुई है, हम चाहे तो स्लीव लगा सकते हैं वरना नहीं। सेम मटेरियल सेम प्राइस 499 और इस पे जो है कॉलर है, देखिए ओपन कॉलर है और इसकी प्राइस भी सेम थी और आज ट्रेंड्स पे ऑफर चल रहा था कि 2499 की कुर्ती ले तो 100 रुपीज़ की ऑफ थी, तो उस हिसाब से बिलिंग हुई है और बिलिंग में मैंने कुछ और सामान लिए जो मैं हॉल में शेयर नहीं कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं बिलिंग आपको नहीं क्लियर बता पाऊँगी आज। नेक्स्ट जो मैंने दूसरे मॉल से ली है शॉपिंग, उसमें सिर्फ क्लोथ्स ही हैं, तो उस पर ये मैंने एक कुर्ती सेट लिया है और देखिए ये प्योर कॉटन मटेरियल में है, वाइट एंड ग्रे कलर का कुर्ती है, नीचे पिंक के साथ ऐसे बॉर्डर दिया हुआ है पाइपिंग में और नेक के पास ऐसे एक लंबी स्ट्रिप वाली वर्क है, इसमें सीक्विन और मोती लगे हुए हैं। उसके साथ सेम ग्रे कलर की
ऐसे फुल लेंथ पैंट दी हुई है, प्योर कॉटन का है, बहुत ही कंफर्टेबल है। ये 699 का सेट है दोनों का। दूसरों के लिए तो ये पार्टी वेयर नहीं होगा, बट मेरे लिए ये पार्टी वेयर है क्योंकि मैं बहुत ही हल्के कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। तो ये मैंने एक इस तरीके का लिया है कुर्ती जो फ्रॉक स्टाइल में है, और नेक के पास ऐसी डिटेलिंग की हुई है थोड़ी सी गोल्डन कलर की। हाथ इसकी ऐसे बेल स्लीव्स हैं यहाँ पे, फिर यही सेम वर्क है। तो दूसरों के लिए ये पार्टी वेयर नहीं हो सकता है, बहुत से लोग बोलेंगे कि ये पार्टी वेयर आप क्यों बता रहे हो, बट मेरे हिसाब से मैं ये पार्टी में कैरी करने लायक है क्योंकि मैं ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहनना पसंद करती। तो ये भी मैंने वहाँ पे देखा था तो मुझे अच्छा लग गया, ये 600 का पड़ा 599 का, तो काफ़ी अच्छा डील लगा मुझे ये, तो ये मैंने लिया है। इसका लोअर मैंने लिया नहीं है, कुछ सेट करूँगी। तो ये थी आज की हॉल और बहुत ही रीज़नेबल। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग। मैं आपको एक टिप बता देती हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ पर्सनली, कि हम एक बार में अगर ऐसे 599 499 जितनी भी हमारी डेली रेंज की बजट होती है उस हिसाब की कुर्ती अगर ले लो, तो कुर्तीज ऐसे लो ना कि आप एक लोअर के साथ एटलीस्ट दो कुर्ती चल जाए। जैसे कि मैं आपको अपनी ट्रिक बता रही हूँ, ये जो पिंक कलर की कुर्ती है वाइट एंड पिंक, ये जो पूरी ब्लू कलर की कुर्ती है और ये जो ग्रे कलर की कुर्ती है, ये तीनों मैं डालूंगी पिंक कलर के कुर्ती पैंट के साथ। मैं लेगिंग से ज़्यादा कुर्ती पैंट प्रेफर करती हूँ, तो ये तीनों कुर्ती मेरी पिंक कलर की कुर्ती पैंट के साथ चली जाएगी। ये और ये जो है ये ब्लैक कलर की कुर्ती पैंट के साथ बहुत अच्छी लगेगी, या ब्लैक कलर की लेगिंग के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लेगिंग कुर्ती प्लाजो क्या पहनते हो और किस लेंथ की पहनते हो, मैं बस कलर बता रही हूँ लोअर की। दूसरी ये आपकी रेड के साथ भी जाएगी अच्छी लगेगी, ये पिंक के साथ भी अच्छी लगेगी, या ओवरऑल ब्लैक के साथ भी अच्छी लगेगी। तो मैं अपने कुर्तीज को कुछ इस तरीके से लेती हूँ कि दो कुर्ती जो है एटलीस्ट एक लोअर के साथ बन जाए। तो ये आज का टिप था। सो आई होप आपको मेरी शॉपिंग एंड शॉपिंग स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।